जी राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? तो आज है हमारे घर में जागरण। वीडियो शूट करके रखी है, एडिट नहीं करी थी, तो अभी जो है हम इसको एडिट कर रही हूँ मैं। और शूट करवाया था मैंने, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई थोड़ा सा भी करता है ना तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो शुक्ला ने बहुत हेल्प करी शूट करवाने में, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करता है अपने चैनल पर, लेकिन वही है ना, उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग उसकी हेल्प करना और उसको जो है उसके चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और मेहनती आदमी है बहुत ज़्यादा, तो सारा शूट उसी ने किया था। तो अच्छा, मैं अब यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हम ना फूल मालाओं का वो लिए खड़े थे, क्योंकि और कोई भी नहीं था यहाँ पे। और ये लीजिए, वही आगे ना, हमारे मंत्री जी जो कि हैं वही पंचायती ना। राज मंत्री और पशुपालन विभाग मंत्री पूरे हिमाचल प्रदेश से। और ये मेरा सौभाग्य है, मैं मतलब माता रानी का धन्यवाद कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मेरे घर में माता रानी के जागरण पे हमारे हिमाचल प्रदेश के जाने माने, जाने माने क्या मतलब, बहुत ही ये समझ लो आ कि पूरा हिमाचल, कितने डिपार्टमेंट, कितने विभाग हैं इनके अंडर, और ये कितने डाउन टू अर्थ इंसान है, नहीं तो नहीं आना चाहते। तो देखो यहाँ पे लोग भी नहीं थे, आप किसी दूसरे नज़रिए से देख सकते थे। हम अभी भी चलो पता नहीं अपने सरकारों को ऐसा ही सोचते हैं लोग ना कि अपने उसके लिए आते हैं मतलब के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ, कोई इन्होंने बोला हमें लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आप मिल गए और हम माता रानी के करके आए हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं यहाँ पे नरेश भैया को थोड़ा सा फोकस करना भूल गई क्योंकि शुक्ला शूट कर रहा था ना। तो नरेश भैया जो पीछे खड़े हैं, जो उन बच्चों के हिमाचली 5 स्टार है, उनके पापा हैं जो ना, ये भैया मुझे बहुत इज्जत देते हैं, बहुत मानते हैं, तो ये इनकी वजह से पॉसिबल हुआ। मैंने भैया को फ़ोन किया, भैया ने इनको आगे बोला, तो मंत्री जी जो है वो आने के लिए तैयार हो गए। आपको पता है इनका बिजी शेड्यूल होता है, इनके पास नहीं टाइम होता है आने का, और बहुत लोग आए हुए थे। तो ये देखिए, इस तरह इन्होंने अपना परिचय दे दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सुनाई दिया होगा क्योंकि थोड़ा सा कैमरा दूर था ना, सभी को फोकस करना भी था, तो बस हम ही लोग थे यहाँ पे। तो फिर मैंने बोला सर कि यहाँ पे लोग नहीं, इन्होंने बोला हम माता रानी के जागरण में आए हैं, माता रानी का प्रसाद लेने आए हैं, हमें लोगों से मतलब नहीं, हम कोई प्रचार करने नहीं आए। हमें ना बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें बता गए महिलाओं के लिए क्या क्या होता है, जो चीज़ें हमें पता ही नहीं है, इतनी सारी बातें ये बता के गए, मतलब कितनी सारी ऐड मिलती है पंचायत में बहुत सारे। तो मुझे तो मतलब माता रानी, मैं ये सब माता रानी की कृपा है, मैं सच्ची बात बता रही हूँ कि इतनी मतलब एक नए से नए रास्ते खुल रहे हैं आगे से आगे, है ना। तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हमारे, मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे देखो पार्टी से मैं बिल्कुल नहीं ये करती कि कौन किस पार्टी से, मुझे क्या है, जो अच्छा इंसान होगा, जो पार्टी अच्छा काम करेगी, हम उसी के साथ हो लेते हैं, ठीक है। और आज तो हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है,
और इस तरह से बस फिर ये मेरे बारे में पूछ रहे थे कि ये जो सामने भैया बैठे हैं ना, ये भराड़ी घाट से बताया इन्होंने। हाँ, तो ये बता रहे थे कि ये ना यूट्यूब पे तो मेरे को पूछ रहे थे कि आपकी जैसे क्या है, हम ना लोगों को बताएंगे आपके बारे में जहाँ भी कहीं जाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और एक बात कहूँ मैं इन सबके बीच में ना आप लोगों को नहीं भूली, क्योंकि मेरा मेरी जो तरक्की का श्रेय है मेरे जितना भी है वो सब आप लोगों को जाता है। जितने भी लोग मुझे देखते हैं, जितने भी मेरे व्यूवर हैं, वो सभी मेरे लिए बहुत कुछ हैं। आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपने दम पे कुछ भी नहीं थी। और हाँ, नरेश भैया बिल्कुल पीछे बैठे हैं सदरी में दूसरे नंबर पे, ये सारा क्रेडिट इन भैया को जाता है। मैंने इनको बोला था और भैया ने बोला और ये लोग आ गए। तो देखो, मतलब आप सोच सकते हैं कि ये ऐसे लोग नहीं है कि इनको भीड़ चाहिए होती है, बिल्कुल भी नहीं। और अभी मैं आपको बहुत सारी स्कीमें बताऊंगी, आगे हम अपने चैनल पे ये भी डिस्कस किया करेंगे, जैसे महिलाओं के लिए क्या क्या होते हैं। तो गांव में जितने भी महिलाएं होती हैं ना, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारी पंचायत में क्या क्या ऐड आती हैं हमें और क्या क्या मिलता है। ऐसी कुछ बातें जो हमें पता ही नहीं होती। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा आवाज़ इसलिए म्यूट की थी कि हम थोड़ा सा ऐसे डिस्कस कर रहे थे चैनल के बारे में जो आप लोगों को पता थी, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं था म्यूट करने लायक। और मैं इनका बहुत आभार करती हूँ, माता रानी से आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ करती हूँ। और नरेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जितना धन्यवाद करूँ कम है। और मेरे प्यारे प्यारे लोग देखने वाले, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, आपके माँ बाप को हमेशा खुश रखे, आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। और मतलब मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही थी बात करते हुए कि मैं क्या बोलूं। और साथ में मेरी देवरानी बैठी है, पीछे निर्मला दीदी है, साथ में बड़ी दीदी हैं, और पीछे भी हमारे गांव के दोस्त 5-6 जनी थे, हम ज़्यादा नहीं थे यहाँ पे। लेकिन इन लोगों ने ना बिल्कुल, और पता है मंत्री जी हमारे घर के अंदर भी गए, उन्होंने बैठ के वहाँ भी बैठे वो लोग। और बस फिर ये यहाँ पे तो बस इसके बाद फिर चाय नमकीन आ गई थी। और निर्मला दीदी की बहू भावना गई थी चाय बनाने, और रवीना गई थी, और क्या बोलते हैं, तो सभी लोग ना जो साथ में भी आए थे भाई लोग सभी, तो ये सभी, और नरेश भैया तो बार बार मेरा जिक्र कर रहे थे। मतलब बहुत खुशी होती है ना, कितनी इज्जत देते हैं लोग, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। पर मेरा मेरा सबसे बड़ा जो, मैं सच्ची बोल रही हूँ, सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो आप लोगों के लिए है, क्योंकि शुरू में आप लोगों ने मेरा साथ दिया था। आज पूरी दुनिया, पूरा हिमाचल, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया सभी लोग जुड़े हैं ना, तो सिर्फ आप लोगों की वजह से, जो पिछले 2 सालों से मेरे को कंटिन्यू देख रहे हैं। अगर आप लोग ना देखते तो शायद आज मैं मतलब लोगों के बीच ना होती, इतने बड़े मंच पे ना होती, और माता रानी की जो इतने सालों से इच्छा थी वो शायद पूरी ना होती। मैंने आपको सुबह भी बताया था। तो बस मैं आप लोगों की खुशियों की कामना करती हूँ हमेशा, जिसकी जो भी इच्छा हो उसको वो हमेशा मिले। तो बहुत अच्छे थे मंत्री जी, मतलब बहुत अच्छी बातें करी उन्होंने, सभी ने, जितने भी लोग आए थे यहाँ पे बहुत अच्छे थे। बहुत ज्यादा लाभ होता है। और एक जो मैंने बकरियों का है ना, तो वैसे वो घर में मांस देने नहीं, बेचनी नहीं, तो मैंने वो भी रख लेना।
दिक्कत नहीं है, मगर 10-11 बकरियां रखे हैं, 2.5-3 लाख रुपए की इनकम है। यहाँ हमारे पास कल जो ये वाला एरिया ना, यहाँ रखते लोग, इसी मेरे मायके से बिलासपुर है ना, लेकिन अब वो लोग काफी रखते हैं। अब वो सिस्टम बदल गया है जी, कि पहले चारने छोड़ते थे, हाँ जी। अब आप एक डेयरी की तरह इनको कमरे में रख के फीड पर रहती है, 2.5-3 किलो खाती है सारी बकरी। यहाँ के अच्छा काम है, यहाँ के लोग के लड़कों की शादियाँ बिलासपुर इसलिए नहीं कर रहे हैं, काम वाली होती है क्या एरिया बदलना है। वहाँ जो बहन मिली, वहाँ क्या नाम था वहाँ गाँव का, गरुनाग, वो भी बिलासपुर की थी। वो ये इसकी बहन हो गई, यूट्यूबर सर का नाम है। और बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, लेकिन इनकी पंचायत पड़ती है हमारी जो संतराम कौंडो जी है जी, और उनकी पंचायत इतिहास भी है, इनके दो लोग वहाँ पड़ते हैं, इनका वैसे कोर्स नोगे कर सकते, और ये भी यूट्यूबर एक पर्सन विलेज कल्चर का इनका ट्रेडिशनल है। अब तो भाई जी के बच्चों को भी मैंने बोला, मैंने कहा भी करो ये काम, वो भी कर रहे हैं। सर पता क्या है, एक तो बच्चे बिजी रहते हैं, फालतू का गेम नहीं खेलेंगे, उनको एक ये रहता है कि हमने कुछ नया करना है, क्रिएटिव माइंड हो जाता है। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे, फेसबुक पे लगे 24 घंटे, मुझे देख रहे हैं और कुछ देख रहे हैं, तो वो उनसे ना अलग हो जाते हैं। आपको फायदा मिल जाएगा, मंत्री जी ने आपको काफी स्कीमें बता दी, और स्कीमें लोग तो प्रमोट करने में लिए, उनके लिए भी आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं मैं तो नहीं, इनके लिए तो हम स्पेशल रखेंगे एक दिन, बहुत बड़ा उसमें रखेंगे ना, अभी थोड़ा सा ये था ना ये करके, तो रूरल वुमेन डे बड़े स्तर पर उन्होंने कर रहे थे, 10,000 महिलाओं में भाग लिया और 1.5 लाख में ऑनलाइन जुड़ना पड़ा, लेकिन फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, तो हमने अपने जिले का किया है मेरे 15 को, और मैं हर साल 2 साल से नहीं हो पाया। हम एक महिलाओं का शेल्फ हेल्प ग्रुप का और उनका करुआ मिलन करवाते हैं, अच्छा। फिर वो दोनों इकट्ठे कर दिए 15 को, तो मैंने कल जाना, तो परसों मेरा अपना वहाँ का एक कार्यक्रम वही सर आपकी वहाँ पे, तो 2-2.5 हज़ार तो यहाँ पे बोल रहे थे कि इन्होंने ना गाय रखी हुई है घर में, आप लोग सुन के हैरान होंगे, 2 गाय रखी, आपने सुनी होनी बात, थोड़ी साउंड आस्ती, तो मैंने वॉइस ओवर करके मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। तो सर बता रहे थे कि इनके घर में ना 2 गाय हैं, और बोलते मैं तो बकरियाँ भी लेके आऊँगा, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे हैं, तो बताओ इनको क्या ज़रूरत है। लेकिन वही है ना कि जो जितना कहते हैं ना, जो जितना भरी होता है वो नहीं छलकता, जो आधा घड़ा होता है वो हमेशा छलकता है। तो सुबह वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा गुस्से टाइप में बोला था, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आ जाता है, वो कहते हैं ना इंसान है, इंसानों वाली प्रवृत्ति है, और जिस दिन सब कुछ छोड़ देंगे उस दिन तो भगवान बन जाएंगे ना, और भगवान बनना इंसान के लिए बहुत इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत क्या, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर बिल्कुल ही अगर थोड़ी बहुत इंसानों वाली प्रवृत्ति ना आए तो क्या मजा हुआ, थोड़ा गुस्सा क्रोध वो भी होता है, थोड़ी हर चीज़ होती है जब इंसानी रूप में है, तो सभी चीज़ें जायज है। हाँ लेकिन इतनी नहीं, कहीं मेरे अंदर 5% आती हैं फिर उसके बाद नहीं, तो थोड़ा सा बुरा लगा था, मैं ओपनली वो चीज़ नहीं बता सकती आपको, अगर आप सुनेंगे फिर आपको लगेगा कि नहीं मैंने सही बोला था। खैर छोड़ो वो बातें, तो यहाँ पे हमारी ये डिस्कस चली थी, और इसके बाद ना ये खाना खाने बैठ गया, देखो तो खाना खाने देखो नीचे बैठे, फिर ये बोले थे हमारे पत्तलों में, हमारे को ना पत्तलों में दे दो, लेकिन हमने ना इनको थालियों में दिया, और पता है सब कुछ सामान लाया, लेकिन मतलब 10-12 लोग थे ना, तो एक जैसी थालियाँ नहीं थी, तो फिर कुछ मैंने मैंने नहीं बोला, कुछ रबीना ले और मेरी देवरानी लेके आई, उसके पास थी सब, लेकिन उतने को रबीना लेके आ गई, लेकिन उसने बोला रेखा ने कि मेरी देवरानी ने कि मैं लेके आ जाती हूँ, क्या बोलते हैं, और गिलास भी नहीं मिल रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन सामान रखा होता, तो फिर वो रेखा लेके आई। मुझे अच्छा लगता है जो कोई वो काम करता है ना, उसका नाम लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग नहीं लेते, लोग पता क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मतलब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसका नाम नहीं लेंगे, उसको कोई क्रेडिट नहीं देंगे, ये गलत बात है। आपके लिए कोई थोड़ा सा भी करता है ना, तो उसका हमेशा आप एहसान बंद रहो, ये इंसान मतलब भगवान इस चीज़ को बहुत याद रखते हैं, और फिर भगवान आपको हमेशा बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से फिर ये हुआ, ये तो मना कर रहे थे।
तो गिलास रेखा ने रिशु ने निकाले, बल्कि सारे हमारे पास भी थे, लेकिन वो सारे मतलब कोई मेहमानों के लिए लगे हुए थे, कोई कहाँ लगे हुए थे। और एक्चुअली इनका प्रोग्राम 8 बजे का था आने का, लेकिन फिर इन्होंने कहीं आगे जाना तो ये जल्दी आ गए थे। तो ये देखिए किस तरह से मतलब फिर खाना खाए, 12-13 लोग हो गए थे ना, कुछ ऐसे जैसे लोग थे। और मेरे ना मेरी मतलब जो मेरी सब लोगों ने बहुत हेल्प करी परिवार में, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन एक मतलब हमारे बड़ी दीदी भी थे, और कमलेश दीदी ने तो अंदर जाना ही नहीं था। हाँ, तो फिर बची रेखा मेरी जो देवरानी है वो बची, तो वो सारी रात खड़ी रही, पूरी रात उसने पता नहीं वीडियो में कहाँ कहाँ आई है। और मैंने तो शूट भी नहीं करा है, शूट सारा शुक्ला ने करा है, शुक्ला ने, रेखा ने और अम्मा ने और बड़ी दीदी ने। मतलब बड़ी दीदी ने चाय पानी का सुबह के टाइम जो किया था, लेकिन रात का जो जागरण का था वो सारा रेखा ने संभाला था पूरा, और शुक्ला ने, और अम्मा भी नीचे बैठी थी, उन दोनों ने पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट किया। तो ये भी शूट कर रहा था, वैसे रसोई का अकेला सिर्फ रेखा ने संभाला। रेखा मेरी देवरानी का नाम है, आपको फिर से बता दूं। और बाकी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसा नहीं था कि कोई किसी ने करना नहीं था, लेकिन मतलब उसने कर दिया सारा, तो फिर ऐसा नहीं पड़ी कि बोलना पड़ा किसी को। तो माता रानी उसको भी बहुत सारी खुशियाँ दे, जो चाहते हैं वो मिले। और यहाँ पे सब्जियाँ बनी थी 4, जैसा कि आपको बता चुकी हूँ मैं सुबह, कि मदरे आलू थे, कड़ी थी, चावल कड़ी थी, मीठा था बूंदी का, और क्या था भाई, माँ राजमा की। और ये टेबल भी यहाँ पे रेखा का ही था। एक तो ऐसे से हमारे परिवार में ऐसा चलता है कि हम एक दूसरे का ना ये कर लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी का भी मतलब वो करे ना मेरे ऊपर कोई मेरे लिए काम, तो बहुत खुशी होती है। बस यहाँ पे अब इनके हाथ धुला रहे हैं, और फिर ज्योति आ गई थी, वो ज्योत माता रानी की ज्योति, वो आपको कल दिखाऊंगी। इन्होंने माता रानी की ज्योति के दर्शन करके फिर ये चले गए थे, क्योंकि इनको आगे काम था। पर मेरे लिए यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी कि ये लोग हमारे घर में आए, और साथ में नरेश भैया खड़े, मैं आपको फिर से बता दूँ, बीच में जो खड़े वो नरेश भैया खड़े, और जो बिल्कुल लास्ट में वो हमारे गाँव के ही हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताना कैसा लगा वीडियो। जय माता दी।